सब लोगों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्री भागवतम कक्षा में। और आज का जो प्रवचन होगा वो श्री भागवतम चतुष्कंध का 19 नंबर चैप्टर के श्लोक नंबर 11 पे होगा। 11 नंबर का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। एक वैष्णव भजन हम गाते हैं, इसके बाद फिर उसको हम बोलेंगे। आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं। ओ हे वैष्णव ठाकुर करुणा करी, ओ हे वैष्णव ठाकुर पाछे
तो ये मैं सॉन्ग इसलिए लिया क्योंकि इसमें गुरु की कृपा की याचना किया जा रहा है। किसके लिए याचना किया जा रहा है वो इसमें बताएंगे। कह रहे हैं कि ओहे वैष्णव ठाकुर दया र सागर ए दासे करुणा करी, कि हे वैष्णव ठाकुर आप दया के सागर है, समुद्र है, तो इस दास के ऊपर भी दया कीजिए, करुणा कीजिए। करुणा के सागर है आप, आपके अंदर सिर्फ करुणा ही करुणा है, और यही गुरु की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। गुरु की जैसे कि ये क्वालिटी हो सकती है कि बहुत बड़े वैष्णव हो, बहुत बड़े आचार्य हो, बहुत अच्छा हरिनाम जप करते हो, कृष्ण के प्रति प्रेम उनके हृदय में हो, बट अगर हमारे पे करुणा ना करें तो उनका ये सब हमारे लिए क्या फायदा उसका है कि। तो इसलिए करुणा सागर कहा जाता है कि करुणा के सिंधु है, जो हर जैसे समुद्र है हर परिस्थिति में उसमें पानी ही पानी है कि नहीं। अगर जल का सागर है तो जल है, वैसे जो गुरु होते हैं हर परिस्थिति में उनके पास करुणा ही करुणा होता है। और आगे कह रहे हैं कि दिया पद छाया सो रहे हमारे, कि अपने पद की छाया दे करके, अपने चरणों चरण कमर की छाया दे करके मेरा शोधन कीजिए। सोदय अमार तुम्हारा चरण धरी, आपके चरण को मैं पकड़ रहा हूँ, धारण कर रहा हूँ। और छाया बेग दमी छाया दोष सोधी छाया गुण देहो दास, छाया बेग दमी मैं आपके, जब आप करुणा के सागर में करुणा करेंगे तो जो छह बेग होते हैं उनको मैं दमन कर पाऊंगा। छह बेग कौन कौन से होते हैं? वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, ये दान बेगान विषहेतु धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वी शिष्या। तो गुरु जो है वो छो बेग पर कंट्रोल कर रखे हैं, इसलिए वो गुरु हैं, और उनकी कृपा से ही कोई इन छो बेग पर कंट्रोल कर सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि छय बेग दमी दमन कर सकूँ, छय दोष सोधी छः दोष काम क्रोधो मत मसर, या फिर उपदेशावृत का जो दूसरा श्लोक है उसको ही बोलते हैं छे, उनको दोष को मैं शोधन कर सकूं। और छह गुण देहो दासे, छह गुण कौन कौन से हैं? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन सर्वतागो और सतोवृत्ति, ये छे वो हैं गुण हैं, इनको अगर करेंगे तो भक्ति प्रसिद्ध थी, भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। तो और छह सतसंग देय अमार बसे सी संगीर आछे, छह संग कौन से हैं? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म, नहीं जो छह प्रीति लक्षण सर्विते प्रीति लक्षण ददाति प्रतिघ्नाति गोह्यम आख्याति प्रक्षति भुंगते भोजते चय व सर्विधि प्रीति लक्षण। तो ये छह विधि हैं, ये सत्संग है, इससे किसी भी वैष्णव से हमारा संबंध बनता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर छह सत्संग देहा हमार कि ये हमें दीजिए, बसे सी संगेर आसे, आशा कर रहा हूँ कि आप अपने संग में रख लीजिएगा, और अपने संग में रखिएगा, कृपा कीजिएगा, तो ही ये जो छहों का चार सीरीज है मुझे मिल पाएगा, अन्यथा मेरे पे कोई और उपाय नहीं है। एकाकी अमार क्यों आप रख लीजिए? क्योंकि एकाकी अमार ना ही पाएबल, अकेले मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है कि मैं इन बेगों का दमन कर सकूं, ये इन दोषों का शोधन कर सकूं, ये छह गुण को अपने अंदर अपना सकूं, ये छह सत्संग धारण कर सकूं। अतएव हरिनाम संकीर्तन, आप जो हरिनाम की शक्ति प्रदान की हो उससे ये सब आ पाएगा। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, तुम्ही कृपा करी, आप कृपा करके श्रद्धा का एक बिंदु दीजिए, बिंदु दीजिए, सारा खेल श्रद्धा का ही होता है भक्ति में। कृष्ण प्रेम, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है 100% श्रद्धा, अवश्य रक्षति इति विश्वासो, मतलब उस प्रेम का ही लक्षण है। तो सारा जो भक्ति का स्टेज है, 9 स्टेज है, ये सारा क्या है? एक तरह से श्रद्धा का स्टेज है, श्रद्धा का स्टेज है। आदो श्रद्धा, शुरुआत फर्स्ट श्रद्धा है, 0% से 1% ऊपर आएंगे श्रद्धा के साथ, और भक्तों का संग करेंगे, नृत्य होता जाएगा, और प्रेम मतलब 100% श्रद्धा। तो तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, बिंदु क्यों मांग रहे हैं? शुरुआत हो जाए, बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन, और कृष्ण नाम का धन दीजिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम का धन देंगे तो ही चेतो दर्पण मार्जन होगा, और सब कुछ ही सब जो वेग है उनको समन दमन करने में, अगर जैसे हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, अगर नाम जब अच्छे से करेंगे ना तो माया हमें कम खूबसूरत दिखेगी, कहते हैं गुरु महाराज। तो माया अगर चाहते हैं कम खूबसूरत दिखे तो फिर हरिनाम का शरण लेना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल स्टेप है, अगर हम देखते हैं, अगर जब अगर प्रयास कर रहे होते हैं अच्छा तो क्या कर रहे होते हैं, प्रयास अगर अच्छे कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन या काम अगर मन में बिल्कुल ही ना के बराबर आ रहा है,
मतलब उनको मेहनत करके हटाना पड़ेगा तो दूर की बात है, बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है, ऐसा अनुभव होगा आप सबका, है कि नहीं? तो ये नाम सकता है कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दित पार, तुम्हारा सकत या छे, कृष्ण क्या है आपके हैं, कृष्ण दित पार, और कोई भाव सागर से कौन पार लगाएगा, कृष्ण तो तुम्हारा सकत या छे, आपकी शक्ति से मैं उनको अवेल कर पाऊंगा। आमी तक कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाय तव पाछे पाछे, आमी तक कंगाल में तो कंगाल हूँ मेरे पास कुछ है ही नहीं, कृष्ण कृष्ण बोली कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और धाई तव पाते पाछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपके पीछे पीछे धा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ गुरु के पीछे पीछे, क्योंकि भगवान कहते हैं ना श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी से कि हे उद्धव मैं अपने शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, क्यों उनके चरण कमल से अगर बांध लीजिए, अगर हवा पोजिक बह रही है तो धूल उड़ करके मेरे में पड़ जाए, मैं शुद्ध हो जाऊँ, तो बहुत ये सेफ प्लेस है वैष्णव के पीछे पीछे चलना, मतलब गुरु के अनुगत होकर के कार्य करना, गुरु के निर्देशन में कार्य करना, कृष्ण तक भगवान तक इसको कह रहे हैं उद्धव जी में, और बिल्कुल लास्ट में बता रहे हैं, उद्धव गीता के आखिरी में बता रहे हैं ये चीज, इतना इम्पोर्टेंट है ये चीज, तो वही कह रहे हैं धाई तव पाछे पाछे। तो और ये वैष्णव सब क्यों लिया, क्योंकि आज का जो श्लोक है वो मत्सरता के ऊपर है, मत्सरता कैसे खत्म किया जाए यही इसका प्रोसेस है, भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति में यही लिखा है। तो आज के श्लोक में हम चर्चा करेंगे श्री भागवतम चतुर्थ स्कंद 19वां नंबर चैप्टर है और 11 नंबर का श्लोक है, जो किंग पृथु हैं, राजा पृथु हैं, 100 यज्ञ कर रहे हैं, तो बस पूरा होने वाला ही है बिल्कुल, तब तक नर्वस 99 पे उनको रोकना पड़ रहा है, आज के श्लोक में उसको बातचीत किया जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं सभी वैष्णवों का दोबारा से कृपा याचना करूँगा, सारे सीनियर वैष्णव आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, बहुत गूढ़ ये रहस्य भरी श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, जिससे कुछ चर्चा करने का प्रयास करें, विशेष रूप से प्रभु के रूप जी प्रभु जी हैं, माता जी हैं आशीर्वाद देती हैं मुझे, प्रभु अर्जुनाथ प्रभु जी हैं, प्रभु जी आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए, प्लीज दीजिएगा। ठीक है तो इसका उच्चारण कर लेते हैं, चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुपतिम वैन्ययज्ञ पशुं स्पर्धं अपोवाहातिरोहितः चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुपतिम वैन्ययज्ञ पशुं स्पर्धं अपोवाहातिरोहितः चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुपतिम वैन्ययज्ञ पशुं स्पर्धं अपोवाहातिरोहितः चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुपतिम अपोवाहातिरोहितः चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुस्पतिम् वैन्ययज्ञपशुस्पदम् अपोवाहातिरोहितः चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुस्पतिम् अपोवाहातिरोहितः माताजी चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुस्पतिम् बहुत बहुत धन्यवाद, इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हुआ, जगत गुरु श्री प्रभुपाद के।
चरमेण अंतिम अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ द्वारा यजमाने यज्ञ करते समय यजुपति यज्ञ के स्वामी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वैनेह राजा वेद के पुत्र यज्ञ पशु यज्ञ की बलि होने वाला पशु यज्ञ में बलि होने वाला पशु स्पर्धन ऋष्यावश अपोवाह चुरा लिया तिरोहित अदृश्य। इसके बाद पढ़ूंगा भावार्थ पढ़ूंगा एक्चुअली तो बाद भावार्थ देते हैं भावार्थ देते हैं। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। और तात्पर्य है, तात्पर्य श्रवण कीजिएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने। राजा इंद्र को सतक्रतु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। किंतु यह हमें ज्ञात होना चाहिए कि यज्ञ में बलि किए गए पशु मारे नहीं जाते थे। यदि यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण ठीक से किया जाए तो बलि दिए गया पशु नवीन जीवन प्राप्त करके बाहर आ जाता था। यज्ञ की सफलता की यही कसौटी थी। जब राजा पृथु 100 यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई उनसे आगे निकल जाए। सामान्य जीवात्मा होने के कारण उन्हें राजा पृथु से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने अदृश्य होकर ये यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया जिसे यज्ञ की कार्यवाही में व्यवधान पड़ गया। बहुत अच्छा है, स्टोरी बिल्कुल ट्विस्ट ले रही है, बिल्कुल जो शुरुआत ही हो रहा है चरमेना चरम सीमा पे स्टोरी बिल्कुल पहुंच गई है। तो वो सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, बहुत से तात्पर्य से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वी लाइक टू प्रे टू लॉर्डशिप एंड गुरु परंपरा फॉर देयर ब्लेसिंग्स। ओम अज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुद्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकलामयं ददाति स्वपदाब्दिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं परिजनसहितं तं सजीवं साधवेतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखापितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवे प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधो अभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे। मुखम करोति वाचालम् पम्पुलंगयेत् गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुन दीनतारिणः परमानन्दमालं श्री चैतन्येश्वरं। गुरु की कृपा से गूंगा बोल सकता है,
और जो लंगड़ा है वो पहाड़ को डांग सकता है, चल के पार नहीं कर सकता, डांग सकता है। तो मैं गुरु से प्रार्थना करूँगा। तो अभी कहाँ ये एपिसोड कहाँ चल रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि पिछले से कहाँ आ रहे हैं कि जो अभी अभी पृथ्वी को दोहन वगैरह सब कंप्लीट हुआ, सबको सब कुछ मिल गया, तो इसके बाद फिर पृथ्वी महाराज के मन में आया कि यज्ञ किया जाए। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। यजुपति यजमाने यजुपति, ये डैट इज द मेन कॉज, मतलब ये मुख्य रूप से कारण था कि क्यों वो सत 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे। तो उन्होंने फिर अश्वमेध यज्ञ करने की सोची और अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट किए। पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, ऐसे करके 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 99 तक देखते 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 अब जो इंद्र थे वो देख रहे थे, भाई इनकी काउंटिंग शुरू हो रहा है, सोच के चलो कुछ कुछ करके रुक जाए, अब देखेंगे तो फिर शतक मारने के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे होता था ना क्रिकेट में कोई अगर सेंचुरी मांगने वाला, बिल्कुल अपना पूरा लास्ट मोमेंट में फील्डर पूरा चेंज कर लेते थे कि बस इसका सेंचुरी नहीं होना चाहिए। वैसे ही क्योंकि ज़्यादा चांस हो जाता था मैंने तो मैच ये ले लेगा इस मैच में, तो वैसे इंद्र को लगने लगा कि जहाँ अगर इनकी सेंचुरी पूरी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इंद्र को सतक्रतु कहा जाता है जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो बिल्कुल 100वां अश्वमेध यज्ञ होने लगा तो इंद्र को लगा कि ओह अब तो इनका इतने सारे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, इनका तो बिल्कुल ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा है, इनका जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है, इनका प्रताप बढ़ता जा रहा है, और कहीं मेरे पोस्ट को लोग हल्के में ना ला रहे, ये तो मतलब हल्के में ना लिया जाए, या ये मेरा कहीं पोस्ट ना ले ले, देखिए सारा खेल गंदी का ही है, तो मेरा पोस्ट ना चला जाए, बिल्कुल ही वो बेचैन हो उठे। और इसके बाद इतना ईर्ष्या से वो भर गए कि कहीं ये मेरी गद्दी ना ले ले, मेरा पोस्ट ना ले ले, कि ईर्ष्या बस बिल्कुल सोचे कि कुछ भी करना पड़े ये केन प्रकारेण इनको 100 यज्ञ नहीं करने देना है। लेकिन इंद्र बिल्कुल घबरा गए और घबरा करके फिर आज का ये श्लोक आता है क्या कि ये ईर्ष्या बस पिछले श्लोक में ही आ रहा है कि उनके ऐश्वर्य को देख करके उनको सहन नहीं हो रहा था कि उनका ऐश्वर्य कैसे इतना बढ़ता जा रहा है। और हमें तो बहुत ही जगह में खूब देखने को मिलता है, ये खूब देखने को मिलता है कि नहीं। एक जैसे कि आज के डेट में पहले रेसिंग कार वाला गेम होता था, आज के डेट में जो रेसिंग कार वाला गेम भी आने लगा है बच्चों को खेलने के लिए ना, तो अपनी गाड़ी चल रही होती है और अब ये ऑप्शन देने लगे हैं कि अचानक से गेट खोल दो ताकि दूसरे वाले को धक्का लग जाए वो गिर जाए, या बाइक रेसिंग का आता है तो दूसरे वाले को पैर मार दो ताकि वो गिर जाए मैं आगे बढ़ जाऊँ, गेम में भी पैसा ऐसा आने लगा है। तो वैसे ही इंद्र को ये सोचे कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, 100 तो इनका होना नहीं चाहिए, तो फिर क्या किए, चरमेण अश्वमेधेन, चरमेण बिल्कुल चरम सीमा पे था, मतलब बिल्कुल 100वां होने वाला था, 99 हो चुका था, है ना कि खेल का बिल्कुल चरम सीमा, बिल्कुल एंड पॉइंट चल रहा है, एक ओवर में इतना बनाना है, तो ऐसे लास्ट में चला बिल्कुल चरमेण अश्वमेधेन, अश्वमेध मेध मतलब होता है मेध, मेधा करना, उनको काटना वगैरह, अश्व को बलि देना, और विशेष रूप से कलयुग में 5 चीज वर्जित है जिसमें से एक ये भी वर्जन है, अश्वमेधम ग्वालंबम संन्यासम पल्पैत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंचविवर्जयेत। तो ये 5 चीजें कलयुग में वर्जित हैं, अश्वमेध भी उसमें से याद आ रहा है, अश्वमेध है ना, ग्वालंबम गाय का यज्ञ का मतलब गाय को बलि देना यज्ञ में, या घोड़े को बलि देना यज्ञ में, क्यों, क्योंकि क्यों वर्जित है, मेनली हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो यज्ञ पशु होते थे उनकी मृत्यु नहीं होती थी, यज्ञ पशु को मृत्यु नहीं होती थी। दूसरा चीज, यज्ञ पशु में जिस घोड़े का गर्दन काटा जा रहा है उसको पेन भी नहीं होना चाहिए, उसको ना दर्द होता था ना उसकी मृत्यु होती थी, उसके लिए बस ऐसा ही है कि अभी मैं यहाँ ठीक है खड़ा हूँ, घास खा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा पलक झपका मेरा और फिर से मैं वही हूँ, मतलब कि पुराना जर्जर घोड़े को, मतलब बूढ़े घोड़े को लेकर के या बूढ़ी गाय को लेकर के उसको क्या हुआ जाता था, उसके गर्दन को काटा जाता था मंत्रों के द्वारा, तो मंत्र गर्दन काट करके तुरंत ही यज्ञ कुंड से नया उसको बिल्कुल जवान शरीर या बालक शरीर निकलता था, जैसे बुढ़ापा में जर्जर शरीर हो जाता है, हर मतलब उसे दर्द मतलब सॉरी कष्ट हो रहा होता है, हर घुटने से कोहनी से जहाँ झुकते हैं कमर से दर्द हो रहा होता है ना, तो उस जीव का कष्ट एक तरीके से समाप्त किया जाता था। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, सर्व गोस्वामी प्रभुपाद गुरु परंपरा प्रभुपाद महाराज की जय, हरे कृष्णा। तो उन जीवों को कष्ट नहीं होता था,
गर्दन कटने में भी ना कष्ट होता था ना फिर वही उसको दूसरा शरीर मिलकर के तुरंत बाहर आ जाता था। तो ये प्रोसेस था, हाँ यज्ञ सही किया गया है, यज्ञ सही किया गया है, दूसरा शरीर मिल गया। तो दो अवसर होते थे, या तो उसको एलिवेट होकर के मनुष्य का शरीर मिलता था, या फिर उसी जीव में तो बिल्कुल जवान शरीर मिलता था, उसको कष्ट से हटा हुआ उसका देह खत्म हो जाता था। तो अश्वमेधम ज्ञा ग्वालम गाय काटा नहीं है अश्वमेधम, क्यों? क्योंकि आज के जो ब्राह्मण इतनी क्षमता नहीं है कि उसको काट करके नया शरीर निकाल पाए। पहले ये किसके संरक्षण में यज्ञ हो रहा था? अत्रि मुनि के संरक्षण में यज्ञ हो रहा था। तो अत्रि मुनि जो घोड़ा को लेकर चुरा कर जाते, वो जान गए कि देखो घोड़ा चुराने आया, अदृश्य हो गया है, फिर भी वो देख पा रहे थे, इतने महान महान ब्राह्मण उसमें हुआ करते थे। अब तो ऐसे नहीं है, हमारे जैसे पंडित हैं कुछ हो गए नहीं। तो हाँ, इस वजह से तो ग्वाला संन्यास लेना वर्जित है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे चैप्टर में बताया गया है कि संन्यास लोग लेंगे अपना जीविका उपार्जन करने के लिए। कलयुग में ये आता है, कभी भी संन्यास लिए कभी भी उस वस्त्र को त्याग करके दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, प्लस जीविकोपार्जन करने के लोग संन्यास का सहारा लेंगे। भागवत में पहले इसका वर्णन किया जा चुका है, इस वजह से संन्यास को वर्जित किया गया है। और पल पैतृकम मतलब पहले चढ़ाया जाता था पशुओं का, जो भी मांसाहारी नहीं शाकाहारी पशु होते थे विशेष कुछ कुछ पशुओं का, उनका मांस चढ़ाया जाता था पितरों को। जैसे कि आता है जो कि हमारे मनु महाराज कौन है, वो भेजे थे अपने बेटे को कि जाओ आप ले करके आओ, और श्राद्ध देव जो है वैवस्वत मनु भेजे थे कि जाओ ले करके आओ और पितरों को चढ़ाने के लिए। जो ससाद थे उनको बहुत भूख लग गया था, तो खरगोश खा लिए थे, तो बोले थे ये तो चिष्ट है, तो इस वजह से उनको देश निकाला दे दिया गया था। डेट सोच मतलब ये स्टोरी बताती है कि उस समय में या और युगों में दिया जा सकता था। और देवरेण सूत उत्पत्ति कि देवर से सूत की उत्पत्ति करना, ये सामान्य केस में नहीं होता था, विशेष केस में और युगों में ये अलाउ था। जैसे कि व्यासदेव ने उत्पत्ति किया था इन दोनों से, जो धृतराष्ट्र और विदुर और ये तीनों भाई थे पांडु, वो देवर थे एक तरह से, उन्होंने सूत उत्पत्ति की थी, तो ये उस युग में था, आज के युग में नहीं है ये। तो वैसे ही यहाँ पर चर्मे न सुमेधे न यजमाने, यजमान जो थे यज्ञ कर रहे थे किसके, यजुपति भगवान जो यज्ञ हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हो रहा था। तो वैन्य पशु स्पर्धन, जो वैन्य बोला गया जो बेण महाराज के पुत्र हैं, कौन कर रहे थे यज्ञ? वैन्य कर रहे थे, वैन्य मतलब पृथु महाराज। यज्ञ पशु स्पर्धन और अपोवाह तिरोहित तिरोहित होकर के, तिरोहित मतलब अदृश्य होकर के, गायब होकर के क्या कर लिए? अपोवाह चुरा लिए। किसको? यज्ञ पशु को तिरोहित होकर चुरा लिए। क्यों चुरा लिए? स्पर्धन ईर्ष्यावश, उनसे ईर्ष्या हो रहा था कि अगर ये यज्ञ इनका कंप्लीट हो गया तो मेरा पोस्ट पोजिशन गति चला जाएगा। ये अन्वयन है इस श्लोक का, ये श्लोक हमें ये बताता है। तो हम परपट में चर्चा करते हैं कि पहली बात तो आया कि ईर्ष्या होता ही क्यों है, आता ही क्यों है ईर्ष्या? सही बात है कि ईर्ष्या के कारण ये सब करना पड़ा उनको। ये तक नहीं है मतलब याद रहा कि जो कि आने वाले युगों में चर्चा किया जाएगा मेरे इस काम का, तो क्या होगा, मैं डिफेम होऊंगा, मतलब कि बेइज्जती होगी मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, बेइज्जती स्वीकार। लेकिन इसने ईर्ष्या से आदमी जलने लगता है ना कि कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ईर्ष्या आता ही क्यों है? एक्चुअली ईर्ष्या आता है माया के जो दो शक्तियां होती है, पहला प्रक्षितात्मिका शक्ति, दूसरा अवरणात्मिका शक्ति। अवरणात्मिका शक्ति के कारण जब आवरण बन जाता है और मैं कृष्ण से अलग होकर के भोग करना चाहता हूं, तो इस भोग की वांछा के कारण द्वेष होता है कि मैं भोग करूं दूसरा भोग ना करे। और दिस इज द मेन मतलब यही मेन कारण है हमारे इस भव सागर में आने का, मैं ऐसा सुना कि हमारे भव सागर में आने का द्वेष कि एकमात्र कृष्ण ही क्यों भोगता है, मैं भोगता क्यों नहीं, कृष्ण ही क्यों भोग कर रहे हैं, सारी गोपियां कृष्ण की तरफ ही क्यों जा रही, मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही है कि नहीं। एक सेशन एक बार था, मैं यूट्यूब पे देखा था गुरु जी का, कि कृष्ण करे तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर लीला। तो वैसे ये आध्यात्मिक जगत से आया था कि मतलब कृष्ण ही क्यों रास लिया करे, मैं क्यों नहीं रास लिया करूं, तो द्वेष इसके कारण हमें माया निकटस्थ माया झापोटिया धरे, तुरंत झपट्टा मार के धर लेती है माया। झपट्टा जानते हैं, बचपन में तितली पकड़े हैं
झपट्टा मार के ऐसे तितली को पकड़ते, तो पता भी नहीं चलता था उस तितली को कब उसके अंदर आ गई। ये अभी मच्छरदानी में से जैसे मच्छर को निकालना होता तो मारना तो छोड़ दिए, तो पकड़ करके ऐसे निकालते तो झपट्टा मारते हैं, वैसे पता भी नहीं चलता उस जीव को कि बस आ गया गिरफ्त में, झापोटिया धरे झपट्टा मार के माया तुरंत धर लेती है, पकड़ लेती है। तो वैसे तुरंत क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष आत्मिका शक्ति झपट्टा मारती है तो फिर नीचे लाती है और आवरण बना देती है, और आत्मिका शक्ति द्वारा हमारे मेन अस्तित्व को भुला देती है। तो और देखिए जितने भी हमारे वो हैं अवगुण हैं या विकार हैं, सबको भगवान की सेवा में एक तरह से लगाया जा सकता है, बट इस द्वेष को, इस एनवी को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि काम को, गोपियों ने काम को भगवान की सेवा में लगाया कि कैसे कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, या फिर कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड प्रोड्यूस करके हम काम को, जैसे काम वासना को भी धर्म अविरुद्ध हो भूतेषु कामो अस्मि भद्र से बोल रहे हैं कि धर्म के जो अविरुद्ध काम है मैं हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं ना, तो ऐसे काम को भी हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। क्यों? कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड प्रोड्यूस करके, है कि नहीं? सेम जैसे कि जब जो लेके जाया करते थे सारे उनको गुट को वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कराने के लिए, तो उनका जो बेटा हुआ था तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे चैतन्य महाप्रभु, पूछते थे अच्छा पुत्र हुआ, उसका नामकरण भी किए थे, शिवानंद सेन थे उनके बेटे जब हुआ था, बहुत खुश हुए थे। और दूसरे जो कालिया कृष्ण वो थे, वो बस सखी मेहंदी से बस वो भिक्षा मांगने चले गए थे तो उनको रिजेक्ट कर दिए थे। क्यों? मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भक्त लोग इस वासना का भी इस्तेमाल करें अगर कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए, तो कृष्ण भक्ति में लगाया जा सकता है। दूसरा क्रोध, जैसे हनुमान जी ने या अर्जुन ने क्रोध का इस्तेमाल किया कृष्ण की सेवा में, तो क्रोध भी कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इन भक्तों ने करके दिखाया। तीसरा लोभ, कृष्ण कथा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोभ होना चाहिए हमारे मन में, जैसे शिव जी, जैसे कि हंस वाहन महादेव जी का एक आता है विग्रह जब नवदीप मंडल परिक्रमा करते हैं, तो अब शिव जी के अंदर इतना लोभ हो गया था कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए कि बिल्कुल उनसे ब्रह्मा जी का वाहन उधार लिए कि मेरा जो है बैल धीरे धीरे नंदी चलेगा, आप अपना वो दे दीजिए, आपका फरारी बिल्कुल तेज उड़ के चलेगा बिल्कुल। इसके बाद फिर मतलब आ करके और जब लैंडिंग करने में लेट कर रहा था, ऊपर से कूद करके भाग करके आ गए नैमी शरण में कथा सुनने के लिए। नैमी शरण एक निमसार लखनऊ के पास है और वहाँ भी है, परिक्रमा के उसमें भी आता नवदीप में, तो वहाँ पर गए थे। ये लोभ है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, कहीं पे भी कथा हो श्रवण करना है लोभ। और मोह, भक्तों से मोह या कृष्ण से मोह इसमें भी किया जाता है इस्तेमाल। और मद, मद मोद अहंकार, तो एक मिथ्या अहंकार होता है और एक रियल ईगो होता है। क्या रियल ईगो है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का दास होने का अहंकार किया जाता है कि मैं जैसे वैष्णव का कुत्ता हूँ कृष्ण का दास हूँ, तो ये रियल ईगो है। और मत्सर्य, मत्सर्य एनवी ईर्ष्या, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में अग्रसर होने में मत्सरता का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका एक बार मैं कन्फर्म किया था, मिस स्वामी पूजी ने प्रश्न पूछा था, तो हमारे भक्ति शास्त्र में वंशी वदन पूजी ने इसको कन्फर्म किया था कि नहीं, मत्सरता का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है भी भक्ति में अग्रसर होने में कृष्ण की सेवा में। तो द्वेष आता क्यों है? कृष्ण से अलग होकर के भोगने की इच्छा के कारण, जो कि माया के अरुणात्मिका शक्ति के कारण आता है। और हम देखते हैं विशेष रूप से, और एक कई सारे ऐसे केस स्टडी भागवत में पाए जाते हैं, जैसे कि एक आता है सगर महाराज। सगर महाराज का सगर नाम क्यों था? गर का मतलब होता है विष, पॉइजन, और स मतलब होता है साथ। वो गर के साथ में जन्म लिए थे। एक्चुअली उनके पिताजी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो जंगल में गए हुए थे, तो एक साधु के आशीर्वाद से पुत्र हुआ। तो बड़ी वाली पत्नी को जब गर्भ हुआ तो बाकी जो 99 उनकी पत्नियां थीं बिल्कुल द्वेष होने लगा उनको कि अगर इसका बेटा हो जाएगा तो भाई राजा तो इसी को भाव देगा, मुझे तो भाव ही नहीं देगा, हमारा तो इज्जत खत्म हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। तो उनको जहर पिला दी वो, और जहर पिला दी तो बिल्कुल अंदर जाके वो होने लगा। तो फिर साधु ने आशीर्वाद दिया, ठीक है, और क्योंकि वो साधु के आशीर्वाद से वो थे, तो उस गर जहर को साथ में लेकर के जन्म लिए, जहर से मरे नहीं, ना माता मरी ना बेटा मरा, और वो साथ में लेकर के जन्म ली थी, उनका नाम इसलिए सगर पड़ा, जो गर के साथ जन्म लिया हो। या फिर और देखते हैं चित्रकेतु महाराज के केस में, जो उनकी बड़ी पत्नी थी कृतदूती, यस कृतदूती, तो
उनको गर्भ ठहर गया था, उनका पुत्र जब हुआ इसके बाद फिर सारी की सारी रानियां उसे द्वेष करने लगी, जलने लगी कि बताइए देखो राजा इन्हीं के साथ बैठता है, इन्हीं के महल में जाता है, हमसे तो कुछ करता नहीं है, हमारा भाव कम हो गया। तो द्वेष के मारे क्या की, हर्षशोक को ही मार दी बिल्कुल जहर पिला करके। और तो ये देखिए, और इसके बाद में भी वो खुश नहीं थी, दुखी, खुद भी दुखी हो रही थी। और कई बार द्वेष, द्वेष का मतलब क्या होता है, द्वेष का मतलब एक बार रुक्मणी किशोर जी अपने क्लास में बता रहे थे कि द्वेष का मतलब ये है कि अपने हाथ में जलता हुआ कोयला को लेकर के ये सोचना कि इसी कोयले से मारूंगा, इसको जलाऊंगा, इसी कोयले से मार के जला दूंगा, है कि। और जब तक कोयला लेके मार नहीं रहे तब तक कोयला अपने हाथ में जल रहा, अपना हाथ तो जल ही रहा है ना। तो जो द्वेष कर रहा होता है वो जल रहा होता है, क्योंकि उसका घाटा ज्यादा हो रहा होता है, अपना घाटा भी द्वेष करके ज्यादा करा रहा होता है कि नहीं। जैसे कि और इसमें केस में आता है जो सुरुचि थी वो भी द्वेष करती थी कि इस जो सुनीति का बेटा है जो उत्तम से बड़ा ध्रुव जो बड़ा है इसको राज्य मिल जाएगा, तो इसको भाव ही नहीं देना है बिल्कुल। इनकी माता को और इनके बेटे को पहले राजा से रिजेक्ट कराओ उतान पाजी से कि मेरे बेटे को राज्य मिले और मेरे को ही भाव दे, द्वेष के कारण। देखिए उनका भी उससे घाटा हुआ, खुद भी मरी, बेटा भी मारा गया। और भी हम देखते हैं द्वेष का एकाध और केस, दुर्योधन महाराज कितना द्वेष करते थे पांडवों से कि सुई के नोक तक मैं जमीन नहीं दूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, छतपुण्य लेसा, क्योंकि वैष्णव थे और वैष्णवों का इतना उन्होंने अपराध कर दिया था कि जो थोड़ा बहुत उनके नसीब में पुण्य भी था ना वो भी छतपुण्य लेसा, सारा का सारा उनका पुण्य खत्म हो गया उससे। और लास्ट में क्या हुआ, सुई भर जमीन क्या पूरा देश पूरा संसार छोड़ के चले गए, मारे गए। और विशेष रूप से ये द्वेष का घाटा होता है, अपना ही घाटा आदमी करा रहा होता द्वेष करके। और तीसरी चीज, इंद्र के केस में कई सारे ऐसे केस स्टडी हैं, और विशेष रूप से ये केस स्टडी इंद्र का लिया गया है ये हमें समझाने के लिए, सीख देने के लिए। एक्चुअली इंद्र बहुत कोई साधारण जीव नहीं है, वो इंद्र हैं, 100 अश्वमेध किए हुए, यज्ञ किए हुए हैं, और भगवान के भक्त हैं वो भी। ऐसा नहीं कोई वो अभक्त है या कोई नास्तिक है, नहीं, भगवान के भक्त हैं, तभी जाके उनको ये पोस्ट मिला हुआ है। कई बार भगवान भी इंद्र के पोस्ट पे आते हैं। तो देखिए इंद्र का कई सारे केस या स्टडी आता है, जैसे कि उनको मेनका को भेजे थे, किनको, किसकी तपस्या को भंग करने के लिए, विश्वामित्र जी की, और सफल भी हुए उनसे, वो शकुंतला उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी, सफल भी हुए। और एक बार ऐसे ही नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम में, उनको लगा कि भाई साहब ये तपस्या कर रहा है और तपस्या करके क्या करेगा, मेरा पोस्ट ले लेगा, तो वो किसको, कामदेव को भेज दिए, जाओ जाओ नाच करके दिखाना और इस बार इनके मन को मोहित कर लेना, इनका तपस्या भंग करो। कामदेव खूब आए, नाचे नूचे सब कुछ किए, सारे अप्सराओं को भी नचाए, देखे कोई असर ही नहीं हो रहा था। इसके बाद फिर भगवान को दया भी कर रहे हैं ऋषि को, यार इतने देर से नाच रहे कुछ हो ही नहीं रहा है। इसके बाद क्या कि आँख खोले वो और अपने जगह से खूब सारे अप्सराओं को और उत्पन्न किए और उनको दे दिए, ठीक है ले जाओ, उनमें से एक को दिए कि देखे कि हाँ खूब सारी अप्सराएं, करोड़ों अप्सराएं मिलकर इनकी सेवा कर रही है। इसके बाद और ये इतनी खूबसूरत अप्सराएं हैं कि जो हमारे साथ जो आई हैं अप्सराएं इनके सामने बिल्कुल बंदरी के जैसे लग रही हैं और फिर भी इनका कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद उनमें से एक कर दिया उर्वशी को कि ले जाओ तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। तो ये देखिए मतलब कहने का अर्थ है इंद्र वहाँ पर भी वो हो गए कि तुरंत उनके पोस्ट पोजिशन कहा जाता था कि मेरी गद्दी कहीं ना चली जाए, है कि नहीं। ये क्यों आता है, किसी न किसी वस्तु के कारण आता है कि किसी वस्तु से अटैच हो जाना, ये मुझे ही चाहिए, इसको क्यों चाहिए। और द्वेष का मतलब क्यों होता है, ये ऋषि द्वेष की दो अलग अलग चीज होती है, दोनों एक तरह से एक ही है लेकिन दो अलग अलग भी होता है। कैसे, ऋषिया का मतलब होता है कि ये चीज इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है ऋषिया है। और द्वेष का मतलब होता है कि ये चीज, ये मतलब जैसे मेरे पास 100 रुपया है, उसके पास भी 100 रुपया है, तो इसके पास क्यों 100 रुपया है, मेरे पास क्यों नहीं है ईर्ष्या है। और उसके पास 5 रुपये भी, तो उसके पास 5 रुपये भी क्यों है, उससे भी नीचे हो जाना, जिसको बिल्कुल बर्बाद होना चाहिए, ये द्वेष होता है। तो और आज प्रभु जी बता रहे थे, तीसरा चीज बता रहे थे जो कि लास्ट में बताएंगे प्रभु जी, तीसरा चीज क्या होता है,
तो और हम भी देखते हैं कई बार ऐसे इंद्र हुआ है ना कि जो कि एक बार वैसे ऋषि तपस्या कर रहे थे तो परमलोचा को भेजे थे, जिससे कि वो उत्पन्न हुई थी, मरीसा उत्पन्न हुई थी, और जो कि इनसे विवाह की थी, जो दसों जो प्रचेतास थे उनसे जिनका विवाह हुआ था। तो कृष्ण जो ये बार बार भेजते कि मेरा कोष न चला जाए। और देखिए ये सब क्यों है, क्योंकि किसी न किसी वस्तु से अटैच है एक्चुअली इंद्र। तो हमें सोचना चाहिए एक्चुअली ना, जब भी द्वेष आए तो सोचना चाहिए इसके पीछे, क्या सोचना चाहिए कि जब भी कोई जीवात्मा भौतिक जगत में आता है सबसे पहले उसको ब्रह्मा का योनि दिया जाता है, कोष दिया जाता है। हम स्वतंत्र होकर भोगना चाहते हैं, स्वतंत्र होकर कृष्ण से अलग होकर भोगना चाहते हैं, फिर भी देखिए कृष्ण कितने ज्यादा दयालु हैं कि ऐसे जीवात्मा को जो कि बिल्कुल मैं कृष्ण आपसे अलग रहना चाहता हूं, आप दूर हटो, मैं भोक्ता बनूंगा, मैं आपसे अलग, द्वेष करके आए थे, फिर भी उस जीवात्मा को क्या करते हैं, ब्रह्मा का कोष देते हैं। लो ठीक है, आप स्वतंत्र होकर भोगना ही चाहते हो ना, जाओ पूरा सृष्टि का क्रिएशन कर लो आप, बिल्कुल पूरा भोग लो जितना ज्यादा भोगना। जब ब्रह्मा जी से तो ऊंचा किसी का पोस्ट नहीं हो सकता ना, और वो पोस्ट देते हैं, और फिर भी जीवात्मा संतुष्ट नहीं होता है, नीचे और योनियों में गिरता है कि नहीं। आज देखिए हम सब जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी कभी ब्रह्मा के पोस्ट कर रहे होंगे, पूरा क्रिएशन किए होंगे, पूरा देवताओं का सृजन किए होंगे, सारे लोगों का सृजन किए होंगे, और वो करके भी नहीं संतुष्ट हुए तो क्या इस जीवन में क्या पालेंगे, ब्रह्मा का पोस्ट पालेंगे? मतलब द्वेष सब करते हैं कि ये मेरा पोस्ट बचा रहे या मेरे घर बचा रहे, इसके पास क्यों एक घर आ गया, दो घर आ गया, अरे कितना पालेंगे हम, ब्रह्मा तो नहीं बन जाएंगे ना। मतलब बन भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, लेकिन इधर तो हमारी थॉट ही नहीं होता है, थॉट होता है कि कोई ज्यादा पोस्ट पोजिशन में कर लूँ, प्रेसिडेंट बन जाऊँ, मंदिर का प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट नहीं, और ऐसे करके यही अच्छी गाड़ी आ जाए, पैसा पोजिशन आ जाए। एक बार एक स्टोरी आता है, एक बार भगवान विष्णु होते हैं, बैठे होते हैं अपनी गद्दी पर, अचानक से मुस्कुराने लगते हैं, तो माता लक्ष्मी पूछती है कि भगवान आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो भगवान बोलते हैं नहीं ऐसे बस मुस्कुरा दी। बोली नहीं बताइए क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं कि देख रहे हो उस, देखो देखो वो बहुत भौतिक जगत में, बहुत सागर में, भारत के दिल्ली नामक जगह पे रोहिणी में सेक्टर 25 वो नाली देख रही हो? हाँ दिख रहा है नाली। तो यहाँ पर एक कीड़ा थे, तो एक कीड़ा को दिखाते हैं, देख रहे हो कीड़ा कितना खुश है, नाचता हुआ जा रहा है। तो माता वो बोलती है कि इसमें बड़ी बात क्या है, मतलब मैं इसे जोड़ दिया, वो इसी कीड़े को में बड़ी बात क्या है। तो भगवान उसमें बताते हैं कि देखो जो नाली का कीड़ा इतना खुशी से बिल्कुल नाचता हुआ चल रहा है, ये इससे पहले 71 बार इंद्र के पोस्ट पे रह चुका है। भगवान बोल रहे हैं, भगवान तो आगे पीछे का सब कुछ देख रहे हैं ना, त्रिकालदर्शी हैं, तो 71 बार ये इंद्र के पोजीशन पे रह चुका है, और आज उसी के कर्मों के अनुसार उसको नाली के कीड़े का योनि मिला है। देखो उसमें कितना खुदक रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है, कीड़े के पीछे भाग रहा है, और उस योनि में भी द्वेष दूसरे कीड़ों से उसको द्वेषा हो रहा होगा। देखिए ये डेट इज द मेन कॉज, ये द्वेष के चलते ही हम पतन होते 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 गिरते 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 जो आज हम सबकी स्थिति है। देखिए किसी में ज्यादा है किसी में कम है, बट है सब में। पूर्ण रूप से संतुष्ट होते तो हम भौतिक जगत में, मतलब अगर इसे फ्री होते तो हम आध्यात्मिक जगत में होते। क्यों? श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के 18वें चैप्टर में आता है, जब चतुष कुमार जाते हैं बैकुंठ, तो बैकुंठ का पूरा वर्णन किया गया कि बैकुंठ होता कैसा है, बैकुंठ में क्या परिवेश होता है, बैकुंठ का क्या कल्चर है, वहां पर वर्णन किया गया है। तो दो वर्णन मेरे को याद आ रहा था, कई सारे इससे रिलेटेड, कि वहाँ पर जैसे कि खूब सारे अलग अलग पक्षियाँ हैं, कोयल है जो अच्छे से भगवान की प्रसन्नता के लिए गाती है, खूब ऐसे करके है ना। इस ये भी सीजन चल रहा है फरवरी और मार्च महीने में ही, आम के पेड़ पर ना वो होता था, मतलब वो जो मुंज होता है जो आम का, वो देखिए ना आप, नया नया व्यू आता रहता, छोटे छोटे मियाँ भी होते हैं, तो उसको खा लेते हैं जब कोयल ना, तो खूब बोलते हैं। और गर्मी के दिन में सुबह सुबह हम जाया करते थे बाहर जैसे खेलने वगैरह के लिए, तो आप कोयल के बोलोगे कू तो वही पीछे से बोलती है कू, आप भी दोबारा बोलो तो वही दोबारा बोलती है, ऐसे करके फिर आप तेजी से बोलते हो तेजी से बोल लेती है, आप चुप हो जाते हो तो चुप हो जाती है, ऐसा लोग देखे हैं, हम लोग कई बार ऐसा किए हैं, ऐसा होता है। पपीहा, मोर, अलग अलग इतने बुलबुल, इतने अच्छे अच्छे, नाइटिंगेल को बुलबुल कहते हैं हिंदी में, तो इतने अच्छे गाने वाले अनेक पक्षियां हैं, और भगवान की ग्लोरीफाई करते रहते हैं हमेशा, और वहीं पे अचानक से भौंरा आ जाता है, और भौंरा भगवान को गूंग
भौरे की तो एक ही आवाज होती है, भौरा देखे ना जो काला वाला होता है जो छेद कर देते हैं लकड़ी में, तो गूंग एक ही जैसे उनकी आवाज होती है, लेकिन उनके आने मात्र से भी सारे के सारे पक्षी चुप हो जाते हैं कि अब ये गुणगान कर रहा है इसकी गुणगान को सुना जाए। हालांकि उस भौरे से हजारों गुना अच्छा गाने वाले सारे पक्षी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई द्वेष नहीं है भौरे के प्रति। ठीक है, भौरा गाना चाहते हैं इसको गा लेने, तो कोई द्वेष नहीं, वो चुप हो जाते हैं। और भौरे की हालांकि वो नीचे है फिर भी उसकी वो सुनने लगते हैं वो। या फिर एक दूसरा उदाहरण आता है, जब चतुष्कुमार जाते हैं तो तुलसी भगवान के चरणों में होती है, चढ़ाई जाती है कि नहीं, और लक्ष्मी जी भी भगवान के चरणों में होती हैं। लेकिन लक्ष्मी जी को तुलसी से थोड़ा भी द्वेष नहीं होता कि ये भी क्यों चरण में, मेरा जगह ये ले ली है, मेरे जगह पे आकर के वो टिक करके बैठी हुई है, चरण से हट ही नहीं रही है, कोई लक्ष्मी जी को द्वेष नहीं होता है उनसे। या फिर बहुत सारे और भी अच्छे पारिजात का पुष्प है, बहुत अच्छे अच्छे पुष्प होते हैं और बहुत खुशबूदार होते हैं, बहुत खुशबू होती है उनमें पुष्पों में, बहुत सुंदर देखने में भी लगते हैं, लेकिन वो भी जो तुलसी के प्रति उनके मतलब ये नहीं होता, द्वेष नहीं होता है कि इसी को चरण में चढ़ाया जा रहा है मुझे नहीं चढ़ाया जा रहा, इसी के गले में भी माला तुलसी का पहन रहा है हमारा नहीं पहन रहा, किसी भी पुष्प को तुलसी से कोई द्वेष नहीं होता है। ये है वैकुंठ का कल्चर, और यही धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करना है द्वेष को हटाना। द्वेष को हटा के ही हम यहाँ से आध्यात्मिक जगह जा सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं अमोघा को ना, अमोघा जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के दामाद रहते हैं, चैतन्य चरितमानस में आता है जब उनको भोजन पे बुलाते थे तो वो उनको गाली देते थे कि ओ सन्यासी होकर के बताओ इतना खा रहा है, चार आदमी का भोजन अकेले खा रहा है और ये इतना सन्यासी को ही खाते हैं, सन्यास के नाम पर बिल्कुल ये ढोंग कर रहा है, बताओ सन्यासी खुद को कहलाता और इतना खा रहा है और कितने प्रकार का भोजन खा रहा है, 56 प्रकार का खा रहा, लगता है यही जगन्नाथ है। इस तरीके से अलग अलग चीजें उनको बोलते थे, तो क्या हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको डंडे लेकर के दौड़ते थे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि श्राप दे रहे थे अपनी बेटी को कि जल्दी मेरी बेटी विधवा हो जाए, मतलब अच्छा हो मेरी बेटी विधवा हो जाए बिल्कुल, और उनकी माता जी उनकी पत्नी वो भी श्राप दे रही थी कि हाँ जल्दी मेरी बेटी को विधवा हो जाना चाहिए, तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसको। देखिए कितना मतलब वो क्यों, क्योंकि वो द्वेष करता था भगवान से अमोघा। और इसके बाद जब उनको हैजा नामक रोग हो गया तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे थे कि अच्छा वो उसको हैजा हो गया जल्दी मरे, भगवान मेरा बात सुन लिए। इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि उसको हैजा हो गया है तो महाप्रभु आए उसके छाती पे हाथ रख के बोल रहे थे बताओ ये जो जगह है ये कृष्ण के बैठने का जगह है, ये भगवान को यहाँ पर बुलाने का जगह है, और क्या है तुम द्वेष पाल रखे हो यहाँ पर, जब ये जगह कृष्ण का जगह है तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, ये गोविंद के विश्राम करने का जगह है, और यहाँ पर इतना ज्यादा द्वेष की अग्नि में जल रहे हो तो जहाँ पर बिल्कुल गर्म रहेगा अग्नि जलती रहेगी वहां पर भगवान आना चाहेंगे, गंदे जगह पर थोड़ी ना भगवान आते हैं, तो क्या करो आप द्वेष को अपने हृदय से निकालो तब जाके भगवान यहाँ पर आएंगे, तब जाके आप कृष्ण का स्वादन कर पाओगे। और जब वहां पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि जब तक हम अपने हृदय से द्वेष को खत्म नहीं करेंगे ना तब तक हम कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, कृष्ण प्रेम को रैलिस नहीं कर सकते तब तक, तो बहुत जरूरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है कि द्वेष को हटाए। और देखिए एक मैं प्रैक्टिकल इसका वो सोच रहा था कि जब द्वेष आए तो हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, इसकी गाड़ी मेरे से बड़ी क्यों है, मान लीजिए आपके पास होंडा एकॉर्ड है मेरे पास होंडा सिटी है, तो मेरे को लगा इनकी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी है मेरे गाड़ी से, या फिर इनका घर ये 3 BHK 4 BHK है मेरा तो 1 BHK है, LIG MIG फ्लैट्स हैं इस तरह होता है दिल्ली में, तो इस तरीके से तो दूसरे से कोई भी ये ऊंची पोजीशन पे है या ये अच्छा गा लेता है, इसके फैन फॉलोअर्स इतने हैं, ये सोचकर यही तमाम कारण होता है ना द्वेष करने का। या ये माताओं में होता है कि इसके पास ज़्यादा गहने हैं, ज़्यादा कपड़े हैं, ये सुंदर में से ज़्यादा है, इसको लोग ज़्यादा देखते हैं। एक मैं लेक्चर सुन रहा था, राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि माताएं वो करती हैं खूब सुंदर सज धज के जाए कोई देखे नहीं, तो माताओं को बहुत दुख होता है कि कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा है, मतलब मेंटालिटी बता रहे थे वो भगवान जी ने। तो इस तरीके से द्वेष होता है, इसके पीछे लोग ज्यादा पड़े हुए हैं, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, तो इसमें ये सोचना चाहिए देखिए कि जीवन में 6 चीजें फिक्स होती हैं, यश अपयश जन्म मृत्यु और लाभ हानि है कि ये चीजें तो फिक्स है ना, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर मान लीजिए खूब यश मिल भी रहा है तो ये उसका प्रारब्ध है, उसके पिछले कर्म है, भाई जितना किया उससे ज्यादा तो इसको नहीं मिल सकता ना,
जैसे जो बदंत सुखम तलबते, कि जैसे कि बिना दुख हम जब मांगते नहीं फिर भी दुख आता है, वैसे सुख हम नहीं मांगेंगे फिर भी जितना सुख है उतना आएगा ही आएगा। तो अगर इसके कर इसका ही अपना कर्म फल है जिसके चलते मतलब इसको सुख मिल रहा है, या फिर एक और सुनते हैं कि भगवान के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब पत्ता नहीं हिलता तो इसको 3 BHK फ्लैट कैसे मिल गया, या मेरे इसके ज्यादा फॉलोअर कैसे हो जाए पत्ता तक नहीं लगता। कहीं ना कहीं कृष्ण सेंसर कर रहे हैं, और जब कृष्ण सेंसर कर रहे हैं तो मैं कौन होता हूं कि उनके उनके मतलब आदेश को या उनके इच्छा को नहीं मानने वाला। एक तरह से ये किसी से द्वेष करना मतलब ये हुआ ना कि कृष्ण का जिन्हें सेंसर कर रहा है लेकिन उनके सेंसर से मैं संतुष्ट नहीं हूं, ये तो यही हो गया ना अगर सोच करके देखो तो ये सोच सकते हैं भाई कृष्ण सेंसर किए हैं और उसके पास इतने पास्ट क्रेडिट हैं कर्म हैं तो जाके उसको मिल रहा है, तो मैं द्वेष क्यों करूं, जो मेरे कर्म है उसके अनुसार मेरे को तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं, और इसको मिल रहा है तो इसके चलते मिल रहा है, ऊपर से कृष्ण ने सेंसर कर रखा है कि नहीं, तो द्वेष का कारण ही नहीं दिखता फिर, कारण को इस तरीके से है हम कम कर सकते हैं। और बाकी जो पूरा का पूरा भागवतम है अलग अलग केस स्टडी से भरा हुआ, और भागवतम का जो विषय वस्तु पहला जो श्लोक है भागवतम को अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे श्लोक में भागवतम के फर्स्ट 111 में इष्ट को प्रसाद प्रणाम कर रहे हैं, 112 वस्तु निर्देश है कि मैं पूरे भागवतम में दे क्या रहा हूँ वस्तु निर्देश है, और तीसरा है आशीर्वाद जो सीसी में लिखते हैं ना से मंगलाचरण है त्रिविध परिवार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार, तो जो तीसरा है वो आशीर्वाद है पीवत भागवतम रसमालय मुहूर हो रसी का भूई भाव कई वाला, और दूसरा है वस्तु निर्देश कि भागवतम में दिया क्या है, तो बोल रहे हैं धर्म प्रोजित कैत्व अतुर परम निर्म श्रणाम सताम, जो भागवतम इसको श्रवण करने मात्र से देखिए दो फायदे, एक करते रहिएगा तो निर्मत्सर हो जाइएगा, और निर्मत्सर हो जाइएगा तो क्या कीजिएगा करिएगा, भागवतम ऐसा ग्रंथ है, निर्मत्सर मतलब सारे मत्सरता से दूर, सारा का सारा मत्सरता हमारे हृदय से खत्म हो जाता है कैसे, भागवतम का श्रवण करने से, नष्ट प्रायसो भद्रेशो, या फिर कह रहे हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, जनयति आशु वैराग्यम, वैराग्य लेना पड़ेगा। देखिए वामन देव भगवान श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में बलि महाराज वाले परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को भी, जैसे बलि महाराज से बोलते हैं कि मुझे क्या करो 3 पग भूमि दे दो, तो बोलते हैं बलि महाराज की मांग क्या रहे हो, देखो देखने में तो आप इतने सुंदर लग रहे हो ब्रह्मचारी, बातें भी ठीक ठीक कर ले रहे हो, लग रहा है कि जानकार हो, लेकिन इतने मेच्योर नहीं हो, अभी आप मूर्ख आदमी हो, देखो तुम मेरे सामने मांगने आए हो, कम से कम अपना नहीं तो मेरा तो लिहाज करो, लोग क्या कहेंगे अगर अब मेरे सामने मेरे पास से भी मांग करके दूसरे के पास आप भिक्षा मांगने के लिए जाओगे तो लोग क्या कहेंगे कि ठीक है बच्चा था ब्रह्मचारी था उसको मांगने नहीं आया तो क्या बलि को देने भी नहीं आया, कम से कम मेरे पास आया तो इतना मांग लो कि दूसरे के पास हाथ ना फैलाना पड़े, कि आज के बाद दूसरे के आगे हाथ नहीं, ये आपका आखिरी भिक्षा हो ऐसा मांगो मेरे से, मैं तीनों लोग का पति हूँ। तो वामन देव भगवान कह रहे हैं कि देखिए बलि महाराज बात तो ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ, सिद्धांत बताते हैं, बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को भी, किसी एक व्यक्ति को भी दुनिया की सारी अगर संपत्ति दे दिया जाए, पूरा तीनों लोगों की संपत्ति दे दिया जाए ना, तो भी एक व्यक्ति की भी इच्छा को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, बाकी भोग की इच्छा अगर रही तो दुनिया की सारी स्त्रियों को अगर पूरे अप्सराओं को भी अगर दे दिया जाए किसी एक व्यक्ति को भोगने के लिए ना, कि लोग अनंत काल तक सारी अप्सराओं को भोगते रहो, एक व्यक्ति के भी उसको भोग को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, ये ऐसी होती है इच्छा है, नहीं किया जा सकता है। अतएव अगर मैं मेरे को 3 पग चाहिए, अगर मैं 3 पग से नहीं संतुष्ट होऊंगा तो पूरा भी दे दोगे तो भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, आप क्या संतुष्ट हो क्या, तो ये बोले नहीं, लेकिन देखिए कोई बड़े से बड़ी कंपनी का ही मालिक होता और अपना एम्पायर बढ़ाना चाहता और आपका मेरा शेयर और बढ़ जाए और ज़्यादा इनकम बढ़ जाए कि नहीं, हम सोचते हैं कि मेरे पास मैं करोड़पति होता तो क्या जो करोड़पति वो खुश है क्या, अब देखिए जो करोड़पति खुश है उनको अरबपति बनने की चिंता लगा हुआ है, जो अरबपति है वो या तो खुश होने चाहिए नहीं, उनको 2-4 अरब कमाने का पड़ा हुआ है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बताइए हम कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन तो नहीं पहले सुने थे ये मोंटी चड्डा पोंडी चड्डा वे सिनेमास वगैरह इनके मालिक एक दूसरे को गोली मार दिए थे ये लोग छोटा सा जमीन के टुकड़े के लिए, है कि नहीं, क्योंकि अरबों खरबों के मालिक थे ये,
तो नहीं संतुष्ट किया जा सकता, किसी एक व्यक्ति के भी इच्छाओं को नहीं संतुष्ट किया जा सकता। और ये बात का प्रमाण ये याति महाराज देवयानी को दे रहे भागवत में 9 स्कंद में। देखो प्रिय क्या किया, मैं 1000 साल तक अपने बेटे का जवानी मांग करके और पूरा भोग विलास में लगा रहा, पता नहीं चला कब दिन है कब रात है, पूरा ऐसे दिन निकलते गए। और आज मेरी क्या स्थिति है, मेरी इंद्रियां और ज्यादा वेगवान हो गई, और ज्यादा भोग की इच्छा हो गई है। अगर इसे संतुष्ट हो पाता तो मैं संतुष्ट हो गया होता ना। तो ये सोचे कि चाहे कुछ भी मिल जाए हम संतुष्ट नहीं हो, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो सामने वाले को मिल रहा है ये इसके कर्मों के अनुसार मिल रहा है और मेरे कर्मों के अनुसार मेरे को मिलेगा, क्योंकि जन्म मृत्यु लाभ हानि ये फिक्स होते हैं, ये बढ़ घट नहीं सकते। जितना सुख लिखा हुआ आएगा ही आएगा और जितना दुख लिखा हुआ है आएगा ही आएगा, कोई नहीं चाहता लेकिन फिर भी मिलता है, सबको मिलता है, उसमें बढ़ा नहीं कर सकते। तो अगर मेरे को मिला तो मेरे अपने कर्मों के साथ मिला, तो इसे दूसरे से मत्सरे का कारण ही क्या है। तो ये जो दो तीन चीज मेरे को समझ में आए, ये क्या है, ये एलोपैथिक कैप्सूल है, तुरंत उसको खत्म करने का उपाय है। और तीसरा जो होता है ना होम्योपैथिक दवा, परमानेंट इलाज, वो परमानेंट इलाज नौ योगेंद्र दे रहे हैं निमि महाराज को श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में, इसका उपाय दे रहे हैं। क्या है, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र सत्रिक एक काला प्रपद्य मानस्य पुष्टि क्षुद अपायनो अनुघासम अनुघासम। हाँ ये उपाय बता रहे हैं कि प्रपद्य मानो जो भक्ति में करेंगे आगे बढ़ते तो क्या होता है, भक्ति पर ईशानु भव विरक्ति, भक्ति आती है भगवान की अनुभूति होती है और विरक्ति भौतिक चीजों से विरक्ति आती है, विरक्ति हो करके भौतिक चीजों की पाने की आसक्ति को कम करके ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। और जब अंदर से संतुष्ट जब तक नहीं रहेंगे ना तब तक ये द्वेष रहेगा ही रहेगा, इसको हटाए। तो अंदर से जो संतुष्ट रहता है, अगर हमारी संतुष्टि के लिए बाहरी चीजों पर कि मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, ये इसके पास ज्यादा है कम हो जाए, जब तक इस पर तब तक सहारा लेते रहेंगे जब तक अंदर से हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो ये कैसे होगा, भक्ति पर ईशानु भव विरक्ति, विरक्ति तब आती है और इसकी अनुभूति भक्ति करने से। कैसे, जैसे कि जब हम प्रसाद, अगर मान लीजिए खूब भूख लगा हो, प्रसाद खाने को मिल रहा हो, खाने को मिल रहा है तो खाते हैं तो तुष्टि होता है, तुष्ट होते हैं कि हाँ इतना पेट भर रहा है, पुष्टि शरीर को मिल रहा होता है, पोषण मिल रहा होता है। और क्षुध अपायन, क्षुधा तृप्त होती रहती है, और खूब अगर भरपेट आकंठ बिल्कुल खा लिए हैं, अच्छे से भोजन कर लिए हैं, इसके बाद थाली में कुछ भी ला के दे दिया जाए क्या मन करेगा, या पड़ोसी के थाली में कुछ भी हो मन करेगा, गुलाब जामुन है, फ्रूट क्रीम है, कुछ भी, अरे मैं तुष्ट हूँ बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपने आप से, पेट में कोई जगह नहीं है, कोई बिल्कुल द्वेष नहीं होगा, चाहे दूसरे के प्लेट में 2 गुलाब जामुन हो, 4 गुलाब जामुन हो, 8 गुलाब जामुन हो। तो अंदर से जब हम संतुष्ट रहेंगे भक्ति करके ना, तब जाके ये द्वेष हट सकता है, जब पूरा बाहरी चीजों पर हम वो रहेंगे नहीं। और फिर इसके अगले श्लोक में वो बता रहे हैं कि कैसा उस समय प्राप्त करने के बाद कैसी स्थिति हो जाती है। तो बोल रहे हैं एवं व्रत स्व प्रिय नाम कृत्या जाता अनुराग दुत चेत उच्चै हसती अथोरोदिति रति गायन उन्मादवत नृत्य तिलोक बाह्य। ये जब हम संबंध ज्ञान में बिल्कुल स्थित होकर के भक्ति में जब हम एक्ट करने लगेंगे तब की स्थिति है। क्या उस स्थिति पर बिल्कुल ये मत्सरता दे रह जाती है, एवं व्रत स्व प्रिय नाम कृत्या जाता अनुराग दुत चित्त उच्चै हसती अथो रोदिति रोति गायन उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। बाह्य के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता इसी स्थिति में आने के बाद। कैसे, एवं व्रत स्व प्रिय नाम कृत्या, जो भी भगवान के नाम में रूप में गुण लीलाओं में भगवान की कथा सुनने में व्रत लेकर के बिल्कुल अगर डूबे रहेंगे, जाता दुरागो जित चित्त उच्चई उच्च स्वर में कभी गाएंगे, कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी लोट रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी भगवान से बातें कर रहे हैं, कभी भगवान के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भक्ति में जब बिल्कुल लीन रहेंगे डूबे रहेंगे ना, तो भक्ति की शक्ति से जो भौतिक आसक्ति पूरी खत्म हो जाती है। और भौतिक आसक्ति जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये मत्सरता बना रहता है। तो ये परमानेंट उसका उपाय है भक्ति को बढ़ाना। भक्ति को बढ़ाएंगे तो भव विरक्ति आएगी, भौतिक चीजों से आकर्षण घटेगा, और जब किसी भी चीज की पाने की इच्छा नहीं रहेगी तभी हमें संतुष्टि, जब अंदर से पूरे संतुष्ट रहेंगे तभी ये द्वेष हटेगा,
है कि नहीं। और तब तक के लिए टेम्पररी बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि जिस कारण के लिए, जिस वस्तु के कारण हमें द्वेष आ रहा है, उसको कॉज ऑफ एनवी को वो करना, क्या करना है, जैसे कि एडजस्ट करना कि अगर दो व्यक्ति हैं तो दोनों को आपस में बांट दें, या वो किसी एक को दे के संतुष्ट हो जाए, या फिर सोचें कि ठीक है इसके नसीब में था, इसके कर्मों के अनुसार तो इसको मिल रहा है। तो ये दो तीन कारण मेरे को समझ में आया कि जिसके चलते इसको परमानेंटली हम हटा सकते हैं, और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक भौतिक जैसे आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते। और देखिए ये केस स्टडी है, इंद्र इतने बड़े पोस्ट पे होकर के पूरे देवताओं के मालिक हैं, चंद्रदेव, वरुण देव, शनि देव, मंगल देव, बुध देव, जितने भी देव होते हैं सारे के सारे देव इनके अंडर में है ना, हम जिन देवों के अंडर में है वो सारे देव इनके अंडर में है, और ये संतुष्ट नहीं है इंद्र के पोस्ट पे हो गए। क्या धनेश्वर की इनमें कमी है, ये भोगने के लिए इतनी सारी खूबसूरत अप्सराएं है क्या नहीं है, जब वो नहीं संतुष्ट है तो क्या कर लेंगे है? दूसरे से कुछ भी आगे पढ़ के हम कहीं इंद्र का पोस्ट में पा लेंगे है? अब मैं अमीर होना चाहता हूँ कि इंद्र बन जाऊंगा, या फिर दूसरे को घटा के हम क्या कर लेंगे। और देखिए ये जब तक ये चीज इच्छा रहेगी मतलब बहुत अच्छा, मेरे को अगर पा भी लिया एक बार को मान लीजिए, चलिए मेहनत करके पा लिया, तो क्या हो जाएगा, मतलब वही बात है ना कि आयु रहती वह पुंस मुद्दा न स्तरीय न सब तस्ते अच्छा हो तो उत्तम श्लोक वार्ता है, उतने समय के लिए कृष्ण से दूर रहेंगे ना, भोगने की इच्छा थी भोगने पा लिया, अगर भोग कर भी रहा हूँ मैं, अच्छा खाने को मिल भी गया, या अच्छा स्त्री या स्त्री को पुरुष भोगने को मिल गया, तो उतने समय के लिए हम कृष्ण से और दूर हैं, है कि नहीं। पा भी नहीं तो क्या फायदा, इंद्र के पोस्ट पे अगर चले भी गए तो इतने समय के लिए मान लीजिए कि वो तो कृष्ण से दूर हो गए ना एक तरह से, है कि नहीं। तो ये पा लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, अतएव ये समझे कि इसके कर्मों के अनुसार और भगवान के सेंसन के अनुसार इसको मिल रहा है, क्यों उसी के अनुसार आदमी जन्म लेता है। भागवतम के तृतीय स्कंध के 33वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है ना कि कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपतये प्रविष्ट स्त्रियम उद्रम पुंसो रेतः कणाश्रयम्। तो इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है कर्मणा देव नेत्रेण, अपने कर्मों के अनुसार देवताओं के निरीक्षण में, अगर कोई अमीर घर में जन्म ले लिया है तो उसके कर्म थे और देवताओं का निरीक्षण था, तुक्का से कुछ भी नहीं हुआ कि ये अंबानी के घर में जन्म ले लिया अंशुल अंबानी और मैं रोड पे जन्म लिया है, ऐसा नहीं होता है। मतलब अपने कर्मणा देव ने प्रेरणा जंतु देवों को पते, और विशेष रूप से प्रविष्टा स्त्री मुद्रम उस स्त्री के घर में उसको घुसाया जाता है पुंसर तक कणाश्रय, जिसका उसे जैसा उसको भोगने के लिए लिखा हुआ है। तो फिर कॉज का मतलब एनवी का और दुख होने का कारण क्या ही है कि नहीं। तो ये कुछ मुझे समझ में आया इस श्लोक से, जो कि अपने बुद्धि के अनुसार यथामति यथास्थिति हूँ। तो समय हो चुका है, जिसका प्रश्न होगा व्यक्तिगत रूप से ले लेंगे। प्रभु जी कुछ टीका टिप्पणी देना चाहते हैं? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। देखिए तो जी, जो हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो हमारा यही प्रश्न था कि किसी से अगर भक्ति में आगे बढ़ रहा है उससे द्वेष हो रहा तो क्या करें, तो इसका आंसर भी आप बताएंगे प्रभु जी। और जो दूसरा प्रश्न, जैसे प्रभुपाद जी भी ट्रांसडेंटल कॉम्पिटिशन कराते थे, तो वो अगर उसमें देखें ना तो प्रभु जी कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वो कर रहे हैं, प्लस द्वेष इनसे कॉम्पिटिट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैं गीता बांटूंगा या ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करूँगा। देखिए अगर कृष्ण के अगर लित लीला में भी हम जाए ना, तो मध्यान्ह काल का जो लीला आता है भागवतम में, तो उसमें कृष्ण के पीछे पीछे सारे उनके दोस्त भाग रहे होते हैं अहम पूर्वम करके, कि मैं पूर्व हूँ, मैं पहले जाऊँगा, मैं कृष्ण को पकड़ूंगा, कृष्ण आगे भाग रहे होते हैं खेल खेल में। तो इसमें द्वेष नहीं होता है, मैं पहले इसलिए भागूंगा कि पीछे वाले भी मेरे से इंस्पायर हों और वो भी तेज भागे ताकि कृष्ण को आनंद हो। तो वहाँ पर प्रभुपाद जो ट्रांसजेंडर कॉम्पिटिशन कराते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक बढ़ सके, वहाँ पर द्वेष नहीं है कि ये ज़्यादा क्यों कर दिया, ठीक है ये मैं भी ज़्यादा करूँ और ये भी ज़्यादा करें, वहाँ पर द्वेष का कोई वो नहीं है। ब्रो जी एक तरह से ये कॉम्पिटिशन है कि कृष्ण की सेवा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूसरा कर रहे हैं उसे हम द्वेषी नहीं हो। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है जी, ठीक है धन्यवाद। यस वीर रहते थे ब्रो जी।
अच्छा प्रवचन था, हमें काफी डिस्क्रिप्टिव बताया। हम प्रोफाइल जी अभी लिख रहे हैं कि इंद्र जो है आम जीव थे, ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी प्रोफाइल लिख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इंद्र की कथाएं हम कई बार सुनते हैं और आम जीव के बल, तो इंद्र का द्वेष खत्म ही नहीं हो रहा है एक तरह से अगर हम देखते हैं तो। ऐसा मतलब क्या है कि व्यक्ति अटक गया है, या फिर हम सामाजिक जीवन में भी अंतर्भक्तों के जीवन में देखते हैं कि कई समय तक व्यक्ति जो है वो उसका द्वेष खत्म ही नहीं होता, बार बार वो उसी चक्कर में गिर रहा है, तो इसे कैसे हम समझें और इसे कैसे निकल पाए। अच्छा प्रश्न है। देखिए ब्रज जी, जो भक्ति और ठाकुर लिखते हैं ना, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही मोर आस। बहिर्मुख ऐसे ब्रह्मा भी होते हैं जो बहिर्मुख होते हैं, है कि नहीं? तो हमारी बात ही क्या है, जो 50 गुण ब्रह्मा जी में, जो किसी भी जीव तत्व के अंदर जो 50 क्वालिटीज हो सकते हैं पूर्ण मात्रा में ब्रह्मा जी के अंदर एक्टिव होते हैं ना, जब वो नहीं है तो हम सब ब्रह्मा के उससे तो गिरे हुए हैं। और दूसरा जो इंद्र की बात करते हैं, तो जो ये केस स्टडी आ रहा है ना, अलग अलग युगों के अलग अलग इंद्र, जो हमारे भी पुरंदर भाई साहब मतलब प्रभु जी हैं, तो पुरंदर भाई साहब अपने पोस्ट से इतना अटैच रहेंगे कि भागवतम के 8वें स्कंद में आता है कि जो अगले जो हमारे अगले 8वें मनु होंगे बलि महाराज, पुरंदर से पोस्ट को छीन करके उनको देंगे। भगवान को छीन के देना पड़ता है, वो देने को रेडी नहीं होते हैं। तो ये हमारे इंद्र की है, और ऐसे अलग अलग इंद्र अलग अलग कल्पों में किए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यही इंद्र जो ये जो घटना चल रही है, तो एटलीस्ट मतलब जो इंद्र पिछला वाला वो तो चाक्षुष मनुष्य का है, जो जो वो देवासुर संग्राम हुआ था, और ये जो इंद्र ये पहले मनवंतर के हैं, है कि नहीं? तो अलग अलग उसमें इंद्र। और जो भागवतम है ना प्रभु जी, वो क्या है, धर्म प्रोजितो कैटमो अत्र, प्रभु प्रोजित कर देता है कैटो धर्म को। तो इस भागवतम में एक्चुअली इंद्र को इतना वो दिखाया गया है कि जैसे कि, और अब विष्णु पुराण अगर उसमें आता है ना, इंद्र को बहुत ग्लोरीफाई किया गया कि इंद्र वो है जिन्होंने बेतासुर को मारा था, कितने महान है इंद्र। और यहाँ पर भागवतम में इंद्र को गाली दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे खंडित करें, बताओ ब्राह्मण मार दिया और उनको पाप लगे, ये करना पड़ा वो करना पड़ा, और इंद्र खुद भी क्लैरी महसूस कर रहे थे कि साधारण जीव नहीं है, युद्ध के बीच में मैं गर्दन कटने वाला इसका, और इतना सुंदर प्रार्थना कर रहा है ये। तो एक तो भागवतम में प्रभु जी विशेष रूप से इंद्र को थोड़ा वो दिखाया गया, क्यों केस स्टडी लिया गया, ताकि हम सीखें, है कि नहीं? अगर भागवतम का आप आमुख पढ़ेंगे ना, तो प्रभुपाद आमुख में लिख रहे हैं कि समाज को प्रसन्न करने के लिए एक स्रोत है भागवतम, तदवाग निसर्गो, जो श्लोक से ऊपर ये प्रभुपाद प्रत्येक पूरे 18 के 18 बुक के अंदर 12 स्कंद के अंदर ये लिख रहे हैं कि भागवतम क्या है, एक एक जगह सामाजिक, इंग्लिश बहुत सुंदर शब्द है क्या तो जी, हाँ, कि कैसे समाज को अच्छा किया जाए, आईना दिखाने के लिए। तो ये कि इंद्र के पोस्ट पे हो करके भी कोई ऐसे कर सकता है, और उसका उपाय तो यही है प्रभु जी, भक्ति और अच्छा जब। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा जब करेंगे चेतन दर्पण मार्जन होगा, भक्ति आएगा, और भक्ति आएगा तो विरक्ति आएगी, भक्ति देवी के पुत्र है ना ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान पे आधारित जब वैराग्य आएगा ना, तो मत्सरता खत्म होगा, संबंध ज्ञान में स्थित होंगे तभी। तो ये समझ आ रहा है, धन्यवाद, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा मल्टी विटामिन लेक्चर था। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ को उसकी ईर्ष्या खत्म कर दी, अमोघ की हृदय पे हाथ रखे चैतन्य महाप्रभु ने उसकी ईर्ष्या खत्म कर दी, तो उसके पीछे एकमात्र कारण यह था कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य का रिलेटेड था। तो क्या भक्तों के संपर्क या उनके तृतीय नाम बन जाने से ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा, जिस पर चैतन्य महाप्रभु ने खुद कृपा करके करी, तो क्या ऐसे एक साधारण भक्त के लिए भी संभव है? 100% संभव है प्रभु जी, 100% संभव है, क्यों नहीं संभव है? देखिए नॉर्मली हम जो भक्ति करते हैं, साधना भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप इतने पुराने आप भक्त हैं, कुछ तो समझ में आ रहा है कि पहले से कुछ तो हम ऊपर हुए हैं कि नहीं। और दो तरह की होती है, कृपा सिद्धि, साधना सिद्धि। तो ये विशेष केस ऐसा है कि देखो, भक्त का तदिया होने का ये तक प्रभाव है कि एक मतलब ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है, ताकि हम भक्त के तदिया हैं। और देखिए जो प्रभुपाद जी गए विदेश में, प्रभुपाद जी बोले तो प्रभुपाद जी का तदिया हो गए, वो लोग इतना प्रिय हो गए, तब तो इतने शुद्ध हो गए, आज हमारे और आपके सारे गुरु लोग हैं, गुरु महाराज लोग हैं, है कि नहीं? इनका पीछे का अगर स्थिति देखें तो प्रभुपाद जी के साथ होने से निश्चित रूप से प्रयोग होता है, प्रैक्टिकल हमारे सामने है।
सबका और मैं कि हम शुद्धि करें तो देखो होता ही शुद्धि, तभी तो हम टिके हुए या लगे हुए हैं इसी आशा से लगे हुए ठीक है। तो प्रश्न प्रश्न लेंगे प्रभु जी का और सवाल बच चुका है जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।